Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। नवरात्रि के त्योहार को महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते गरबे का आयोजन नहीं होने वाला है। उसी वजह से गरबा के व्यापार से जुड़े धंधे एकदम ठप हो गए हैं, जिसका सीधा असर कच्ची ट्रेडिशनल ड्रेस के व्यापारी पर पड़ा है। कच्ची ट्रेडिशनल ड्रेस की मांग नवरात्रि के दिनों में देश और विदेशों में रहती है। गरबा खेलने वालों की सबसे पहली पसंद मार्केट में कच्ची ट्रेडिशनल ड्रेस की ही रहती है, लेकिन इस साल गरबा आयोजित नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से कच्ची ट्रेडिशनल ड्रेस का मार्केट एकदम मंदी से गुजर रहा है। दुकानदार खाली बैठे हैं, व्यापारी के पास कोई नए ऑर्डर की डिमांड नहीं है, और पुराना भी जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका भी कोई खरीदार नहीं है। ऐसे में इन व्यापारियों के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता कौशिक कांटे जाने, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं व्यापारी। नवरात्रि को कुछ दिन बाकी बचे हैं, लेकिन नवरात्रि का रंग इस बार फीका है, क्योंकि नवरात्रि के त्यौहार के अंदर इस साल गरबे के आयोजन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये सरकार ने निर्णय लिया गया है। लेकिन गरबे के साथ कुछ ऐसे धंधे व्यापार भी जुड़े हुए हैं जिनके अंदर इस समय के अंदर मंदी का दौर चल रहा है। हमारे साथ एक व्यापारी हैं कच्ची ट्रेडिशनल वर्क के, उनकी क्या स्थिति है, क्या कहेंगे वो? क्या नाम है आपका और क्या स्थिति है? मैं वाड़ीलाल भाई मेहता, कच्छ कुटीर उद्योग के नाम से। मैं 25 साल से इनमें इन्वेल्व हूँ। जो नवरात्रि का महोत्सव आता है, तब सबसे ज़्यादा हमारी कच्छी ट्रेडिशनल वर्क की मांग रहती है, और लोगों को इतना उत्साह रहता है कि जो अलग अलग रोजाना 9 दिन अलग अलग कपड़े पहनते हैं, पूरा हैंडवर्क का जो हमारी बहनें तैयार करती है, हमारे वर्कर तैयार करते हैं, अरे अच्छी मांग रहती है, बाहर भी मांग रहती है, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात में भी, और दिल्ली तक, बेंगलोर तक। तो इस साल बिल्कुल नहीं है, हमारा जो माल पड़ा है वो भी कोई मांग नहीं है, और एक इंक्वायरी नहीं आई है। तो सबसे मार ज़्यादा जो कोरोना का ये महामारी का पड़ा है हमारे बिजनेस में, हमारे जो कच्छ हस्तकला, कच्छ का जो एक बहुत बड़ा जो कितने कारीगर इनके साथ इन्वॉल्व है, पूरे कच्छ में अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल वस्त्र तैयार करते हैं, तो ये सबसे मार पड़ी है। तो गवर्नमेंट को ये कच्छ के हस्तकला के कारीगरों को संभालना चाहिए, कच्छ के हस्तकला के व्यापारियों को भी संभालना चाहिए। पूरा ठप पड़ा है, पूरा नर्वस हो गए हम, इतना अच्छा बिजनेस है हमारी, सबसे ज़्यादा सीजनस ये होती है सीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहती है, बाहर के लोग आते हैं, और जब कच्छ में आते हैं तो कच्छ की हस्तकला को पूरी आनंद से उनको खरीदारी करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस, अभी हम तो इससे है कि जल्दी से जल्दी ये महामारी जाए और वापस हमारा बिजनेस कुछ पिकअप ले, और गवर्नमेंट भी हमारे को हाथ पकड़े, संभाले, ऐसी हमारी भावना है। बाकी बिल्कुल अभी तो कुछ बिजनेस नहीं है। नवरात्रि आती है तो व्यापारी भी खुश हो जाते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहेगी, और जो कस्टमर होते हैं वो भी कच्छ के हस्तकला के वस्त्र पहन के जो 9 दिन अपना आनंद लेते हैं, वो भी आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि इस साल जिस तरीके से गरबा आयोजन नहीं हो रहा, उसका सीधा असर उनके धंधे व्यापार पर पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये कच्छी हैंडवर्क की अलग अलग जो कला है, उसके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो जिसकी मांग देश विदेश में लगातार रहती है, अगर गरबा हो या न हो, लेकिन इसकी मांग साल बर साल, हर साल रहती है। लेकिन इस साल जिस तरीके से नवरात्रि का आयोजन नहीं हो रहा, और नवरात्रि के अंदर गरबे के ऊपर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, उसका साफ सीधा असर है इन कच्छी हैंडवर्क के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर पड़ा है। कौशिक कांटेचा, कच्छ, गुजरात तक।